नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जमीन पर पड़ा था शव, दरवाजा खुला, खून फैला था। परिवार कानपुर में रहता है। अयोध्या के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सुरजीत सिंह की लाश उनके सरकारी आवास में मिली है। उनके कमरे का दरवाजा खुला था, शव फर्श पर पड़ा था, पास में खून बिखरा था। गुरुवार सुबह उनकी मौत का पता चला। कोतवाली नगर के सुरसरी कॉलोनी सिविल लाइन में सरकारी आवास है। सुरजीत सिंह यहां अकेले रहते थे। परिवार कानपुर के गणेश नगर में रहता है। वह फरुखाबाद के थाना नवाबगंज के मजना के रहने वाले हैं। अयोध्या में एक साल पहले उनकी तैनाती हुई थी। एसपी, डीएम, सांसद अवधेश प्रसाद और मेयर मौके पर पहुंचे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच की। काम करने पहुंची मेड ने सबसे पहले देखा शव, पुलिस ने बताया। सुबह 10 बजे काम करने के लिए मेड उनके कमरे पर पहुंची। मेन गेट खुला था और वह अंदर चली गई। आवाज लगाई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दरवाजा खुला था तो वह अंदर कमरे में गई। अंदर फर्श पर एडीएम का शव पड़ा था। आसपास हल्का खून देखकर वह घबरा गई, भागती हुई बाहर आई और सुरक्षा गार्ड से बताया। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को सूचना दी गई। एडीएम कई दिनों से बीमार थे, आज कानपुर जाने वाले थे। पुलिस ने बताया कि एडीएम की मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि घर में किसी तरह की फोर्स एंट्री यानी किसी के जबरन घुसने जैसे सबूत नहीं मिले हैं। परिवार कानपुर से अयोध्या के लिए रवाना हो गया है। एडीएम कई दिनों से बीमार चल रहे थे, आज कानपुर जाने वाले थे। कल शाम को एक अधिकारी से कानपुर जाकर दवा कराने की बात कर रहे थे। पुलिस एडीएम की मेडिकल हिस्ट्री पता कर रही है। कानपुर में मकान में चल रही थी रंगाई पुताई। इस घटना के बाद भास्कर टीम कानपुर के गणेश नगर पहुंची, जहां एडीएम का परिवार रहता है। मौत की खबर मिलने के बाद परिवार गुरुवार को अयोध्या के लिए रवाना हो गया। इस मकान पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है, जहां मरम्मत करने वाले मजदूर कल्लू पाल ने कहा है कि हमें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं, परिवार सुबह ही चले गए थे, हमें बाहर की दीवारों पर काम करते रहने के लिए कहा गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।